देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में भी घूम रहा हूँ और पूरे ब्रज क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मुझे लगता है मायावती जी की कहीं मीटिंग मैंने देखी नहीं, कहीं मीटिंग देखी नहीं। चुनाव सिर पर है और मायावती जी की पार्टी की भी रैली मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वो रेस में कम है। ऐसी स्थिति में वो कुछ भी बयान दे सकती है। कांग्रेस कह रही है कि राम जन्मभूमि के जो आसपास की जमीन है या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीदी है या सरकारी अधिकारियों ने खरीदी। देखिए, राम जन्मभूमि का जो मसला है 500 वर्षों से मसला है। अभी संजय गुप्ता आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए, कोई तथ्य निकले क्या? तो ये इतना बड़ा काम हो रहा है भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने का, भारतीय संस्कृति की उन्नति का, जिसकी कल्पना कभी पंडित दीनदयाल जी ने की थी या आज जिनकी जयंती है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो वो इतना बड़ा काम हो रहा है, तो कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब काम साफ सुथरा है। सर, ओवैसी बहुत बुरी तरह सक्रिय हैं, आज फिरोजाबाद में भी उनकी 3 बजे एक सभा है और वो ये कहते हैं कि योगी और मोदी चले जाएंगे लेकिन मुसलमान तो अभी रहेगा। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब देश में संसदीय प्रणाली अपनाई थी तो ये सोच करके अपनाई थी कि भारत में बहुलता है, इसलिए कई दल होंगे, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया। हर पार्टी को मेरा अनुरोध भी है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैं संसद में भी ओबीसी जी को देखता हूँ, भाषा सभ्य यूज करनी चाहिए, सभ्य भाषा से भी अपनी बात कह सकते हो। ये जो हिंदू मुस्लिम जो एकता है और हिंदू मुस्लिम में जो समन्वय है, जो सामंजस्य है, उनको बना के रखना सब नेताओं का काम है। अगर ओबीसी ऐसा बोलते हैं तो वो ठीक नहीं बोलते हैं। एक बार एक वन लाइनर थी उनकी, जब ए.आर. अंतुले पर बहस हो रही थी संसद में और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है राजनीतिक जीवन में, उस पर जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो अटल जी की जो वन लाइनर है वो बहुत फेमस है, आपको सुना देता हूँ। अटल जी ने कहा, अध्यक्ष जी, इस सदन में कुछ अंतुले हैं, बहस ए.आर. अंतुले पे हो रही थी, इस सदन में कुछ अंतुले हैं। तो चंद्रशेखर जी सदन में थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो खड़े हुए कि आप क्या हो, तो बोला पूरा सुनो तो सही, इस सदन में कुछ अंतुले हैं और कुछ तुले हुए हैं। तो फिर चंद्रशेखर जी खड़े हुए तो अटल जी ने कहा, मेरे बारे में पूछ रहे हो क्या, हमारा दल और हम कुछ इस सदन में अंतुले हैं और कुछ तुले हुए हैं और हम नपे तुले हैं। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।